स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज का रेसिपी है चिकन तरी रेसिपी, और वो भी फटाफट बनने वाली रेसिपी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नए लोग बहुत आराम से ये सीख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे बनता है। पहले इसके लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने पहले डाला जीरा, फिर धनिया और लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, प्याज, ये सब को मैंने अच्छी तरह से एक अच्छा पेस्ट बना लिया। ये देखिए चिकन के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। चिकन को साफ करके धो के एक बर्तन में ले लेते हैं। अब इसमें सारा चिकन डाल लेते हैं। चिकन पे सारा मसाला मिला लेते हैं इसी जगह, मतलब जो भी मसाला है सारा मसाला इसमें मिलाने से बाद में और मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम सारे मसाला मिला के कम 15 से 20 मिनट रख देना है, उसके बाद ही मतलब बनाना है। इसके लिए मैंने पहले नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जो हमने पेस्ट पीसा था उस पेस्ट को डाल दिया, और प्याज और तेल, सरसों का तेल, यही इस जगह अच्छी तरह से आप हाथों से चाहे तो हाथों से या चम्मच से चाहे तो चम्मच से किसी चीज़ से अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल ऐसा मिलाना है जो कि सारा चिकन कोट होना चाहिए मसाला से। ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे ढक के रख दे साइड में। अब करते हैं कढ़ाई गरम, और कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल, 2 हरी मिर्च डालते हैं खुशबू के लिए, और इसमें डाल रहे हैं तेज पत्ता और कटा हुआ टमाटर। इसे हल्का सा ही फ्राई करना है। इस तरह चिकन बनाने से आपको लगेगा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और फटाफट बन भी गया। तो ये देखिए टमाटर हमारा भून चुका है थोड़ा सा। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ जो हमने चिकन बना के रखे, मैरिनेट करके रखे, उस चिकन को, सारा चिकन को डाल देते हैं। चिकन को डालने के बाद इसे हिलाने की जगह भी ना रहा, तो क्या किया, इसे देखिए हिला रही हूँ लेकिन सारा गिर रहा है बाहर, इसलिए मैं इस बर्तन से मैंने दूसरे बर्तन में चेंज कर रही हूँ। जो हमने एल्युमिनियम का कढ़ाई लिया है उस एल्युमिनियम के कढ़ाई में डाल के दोबारा मैंने हिलाने लगे चिकन को। चिकन में पानी नहीं डालना है क्योंकि चिकन जितना पकेगा उतना ही चिकन से पानी छोड़ता जाएगा, इसीलिए चिकन में अभी पानी नहीं डालना है। इसे ढक के बस बीच बीच में हिलाते रहना है चिकन में। देखिए कितना पानी छोड़ चुका है। अब इस तरह ही पानी सूखने तक इसे पकाना है। चिकन में इतना पानी छोड़ेगा जो चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, इसीलिए इसमें तो चिकन में पानी नहीं डालना है। इसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है, बर्तन ढक देना है, फिर उठाना है और फिर इसे हिलाते रहना है। आप मेरा वीडियो कौन सी गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसमें मैंने तरी बनाने के लिए पानी डाल रही हूँ। तरी जितना हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से ही पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। चिकन अभी लगभग बनके तैयार हो गया है। अब इसमें लास्ट में डालते हैं गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब करते हैं एंजॉय।